Hello everybody, are you able to listen me and see my screen again? Okay. So let us not waste more of the time and let us start further with a few more questions. So I hope jitne questions abhi kiye wo samajh mein aa gaye. Let us move on further. I am sure after the end of this class, you'll find logarithm very, very much comfortable. I'll give you certain homework from myself as well as from some of the notes already which have been given to you. So kindly, this is a suggestion or an order from my side that you got to attempt religiously the homework. You got to attempt and to listen, to revise the notes which I have discussed in today's class with you. Religiously aap usse kare, honestly sare questions ko aap dekhe. And honestly, सारा homework करें, I'm sure आपको दिक्कत नहीं आएगी, right? Because with all my कि how much you are comfortable in logarithm, it doesn't depend only on my effort. It majorly depends on your effort, right? So, anyways, let us begin with a few more questions. So let's start with this question. Give me a second. So here's the question. We got to simplify it or find the value of this given expression. So this is, ध्यान से देखें हम ध्यान से कि इसके अंदर में एक जगह पे न्यूमरेटर में बेस 3 है, यहाँ भी न्यूमरेटर में बेस 3 है, यहाँ न्यूमरेटर में बेस 15 है. Here's the numerator में डिनोमिनेटर में जो बेस है 405 है. So the first and the prime thought to do a question must be कि आप बेस सेम बना लें. तो बेस सेम बनाने के लिए जो भी नंबर बड़ा नजर आ रहा है जिसके उसको वो प्राइम फैक्टर्स में जितने वो तोड़ा जा सकता है आप उसको तोड़ लें. आई एम रिपीटिंग, प्राइम फैक्टर्स में किसी भी नंबर्स को जितना भी रिड्यूस किया जा सकता है उतना उसको रिड्यूस कर दें. जैसे कि सबसे पहला काम मैंने ये लिखा log 135 टू द बेस 3 इनटू इसको लिख दिया log ऑफ 15 टू द बेस 3, बेस सेम बन गया, माइनस का log ऑफ 5 टू द बेस 3 इनटू log ऑफ 405 टू द बेस 3, बेस सेम सबका बन गया. सही है यहां तक? क्योंकि मैंने बेसियन थ्योरम का एप्लीकेशन लगा दिया. नंबर बिकम्स बेस एंड द बेस बिकम्स नंबर डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में लेकर के आए. तो अब फैक्टर्स जैसा मैंने कहा प्राइम फैक्टर में तोड़ते चले जाते हैं. लॉग के बेस में 3 ऑफ 135 इज 15 इंटू 9, राइट? सो दिस इज 15 इंटू 9. तो 15 इंटू 9 का मतलब क्या लिखोगे अब आप इसको और फर्दर? 5 इंटू 3 का स्क्वायर, तो यानी 5 इंटू 3 की पावर 3 ऐसा लिख दिया, ठीक? इंटू लॉग ऑफ दिस इज 5 इंटू 3 टू द बेस 3 माइनस लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3 एज इट इज. और 135 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 405 आ जाएगा. तो बेसिकली लॉग के बेस में ये 3 आ गया और ये 5 इंटू 3 की पावर 4 आ जाएगी, करेक्ट? सही है. अब इसको क्या करेंगे, अब हम ना log of mn is equals to log m plus log n property का यूज कर लेते हैं. तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसको लिखा जा सकता है log of 5 to the base 3 plus log of 3 की पावर 3 to the base 3 into log of 5 to the base 3 plus log of 3 to the base 3 minus log of 5 to the base 3 into log of 5 to the base 3 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द पावर 4 टू द बेस 3. ये लिखते चले गए अपन, ये लिखते गए तो क्या मिलेगा ध्यान से देखें अब आप. अब बहुत सारी जगह पर लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3 नजर आ रहा है, तो मैंने लेटर से ना लिखना पड़े, उसी जगह छोटा नंबर लिखना पड़े, मैंने उसको टी मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से. तो लेटस कंसिडर इट एज टी. तो जैसे ही हमने टी माना तो ये बन जाएगा. और ध्यान से देखो ये वाला जो पार्ट है ये 3 आगे चला जाएगा और ये बचेगा लॉग 3 टू द बेस 3 जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है. एज अ रिजल्ट जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसकी वैल्यू क्या बन गई 3 प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू विल बी 1, दिस विल बी 1 प्लस टी माइनस ऑफ दिस इज टी एंड दिस इज गोइंग टू बी 4 प्लस टी. नाउ इट कैन बी सिंपलीफाइड, सिंपलीफाई कर दो आप इसको. 3 प्लस दिस विल बी 3 टी प्लस टी विल बी 4 टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 4 टी माइनस टी स्क्वायर. 4 टी और टी स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये वैल्यू 3 आ जाती है एंड दैट बिकम्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Are you getting my point? And this becomes the final answer to this question.
So moving on further to the another question, question number two for this. So देखिए फिर दोबारा अपने को इसको evaluate करना है. Log of 27 to the base 9 minus log of 9 to the base 27. ठीक है. अब इसमें क्या किया जा सकता है? What we can do here is, हमें पता है prime factors में तोड़ सकते हैं हम लोग. तो इसको लिखा जा सकता है log of ये 3 की पावर 3 लिखा है, ये 3 की पावर 2 लिखा है, माइनस का लॉग ऑफ दिस इज 3 की पावर 2, दिस इज 3 की पावर 3. हमने बेस चेंज थ्योरम का एक एप्लीकेशन पढ़ा था कि ये जो पावर 3 है ये न्यूमरेटर में जाएगी और ये जो पावर 2 है ये डिनोमिनेटर में चली जाती है आगे आते हुए. तो एज अ रिजल्ट ये बना 3/2 टाइम्स लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 माइनस 2/3 टाइम्स लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3. लॉग ऑफ अ नंबर टू द बेस नंबर वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो एज अ रिजल्ट ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू बन गई 3/2 माइनस 2/3. अब 3/2 माइनस का 2/3 दिस इज 6, दिस इज 9 माइनस का 4 दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाय 6 एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. आई होप आई एम एबल टू मेक दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ठीक. सो लेट्स मूव ऑन फर्दर टू द अनदर क्वेश्चन. अनदर क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान है. ये लिखा है 2 यहां लिखा है, 5 यहां लिखा है, यहां 5 लिखा है, यहां 2 लिखा है, यहां बेस दोनों में 3 अवेलेबल है. देखो जरा ध्यान से, ये लिखा 2 की पावर लॉग ऑफ 5 टू द बेस 3 माइनस 5 की पावर लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3. हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है एप्लीकेशन ऑफ द बेस चेंज थ्योरम, क्या कि a की पावर लॉग ऑफ c टू द बेस b के अंदर में a और c को इंटरचेंज किया जा सकता है और c की पावर लॉग ऑफ a टू द बेस b लिखा जा सकता है. वही तो प्रॉपर्टी है ये डायरेक्टली. ध्यान से देखो, इस 5 और 2 को मैं इंटरचेंज करूंगा तो 5 की पावर लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 बना, माइनस का 5 के पावर लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 बना, इट गॉट कैंसल्ड एंड द वैल्यू इज 0 एंड दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन लुक्स टू बी डिफिकल्ट बट इट इज नॉट डिफिकल्ट वंस वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथम, राइट. सो मूविंग ऑन फर्दर नाउ टू द अनदर क्वेश्चन. अब देखो जरा फिर दोबारा इसकी वैल्यू निकालनी है. आई एम ट्राइंग टू मेक द थिंग्स क्लियर फॉर इजी फॉर यू ऑल गाइस. ठीक है. आई एम ट्राइंग टू टेक छोटे छोटे एग्जाम्पल्स और बड़े बड़े भी एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ लूंगा सो दैट द थिंग्स बिकम्स इजियर फॉर यू. ठीक. अब इसको सिंप्लीफाई करना, ध्यान से देखें जरा. यहाँ बेस 3 है, फिर बेस 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है. ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बेस चेंज थ्योरम की एप्लीकेशन कराते वक्त आपको ए बी सी डी की टर्म्स में लिखते हुए करा चुका हूँ. तो देखिए ध्यान से आप क्या लिखेंगे, इसे लिख दो बेस चेंज करते चले जाओ. लॉग 4 बाय लॉग 3 इंटू लॉग 4 लॉग 5 डिवाइडेड बाय लॉग 4 इंटू लॉग ऑफ 6 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 5 into log of 7 divided by log of 6 into log of 8 divided by log of 7 into log of 9 divided by log of 8. तो ध्यान से देखो, log 4 log 4 log 5 log 5 ये 6 6 7 7 8 8 ये सारे कैंसिल हो गए तो क्या बच गया? log of 9 divided by log of 3 बचा, which can be written as log of 9 to the base 3, which is nothing but log of 3 ki power 2 to the base 3, and which is nothing but 2 only. That's the answer to this question. I hope this question is also clear to all of you. Abhi samajh aa rahi hai sabko baatein? Can you share a yes or no? Chali, fair enough. मूविंग ऑन फर्दर. अब लिखा है हमारे पास, ध्यान से देखें, लॉग ऑफ 3 टू द बेस a की वैल्यू 2 दी गई है एंड लॉग ऑफ 8 टू द बेस 3 की वैल्यू 3 दी गई है. ठीक है. अब जैसे मैंने कहा प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लें, जहां भी टूटा जा सकता है या तोड़ा जा सकता है, इस 8 को 2 का क्यूब लिख दें, 2 की पावर 3 टू द बेस 2 विल बी इक्वल टू 3. एज अ रिजल्ट यहां से ये 3 आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log of 2 to the base 2 b, the value will be 1, है ना. 3 3 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा. तो ये एक रिलेशन आ गया और एक ये रिलेशन आ गया. एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ log of b टू द बेस a. तो log b टू द बेस a की वैल्यू निकालनी है अपने को. log b टू द बेस a की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, देखो जरा ध्यान से. इसको मैं log b टू द बेस a लिखा गया है, हमने इन दोनों का ही इस्तेमाल करना है, इन दोनों रिलेशंस का. ठीक है. अब log b टू द बेस a को मैं क्या लिख सकता हूं, अब ध्यान से देखो. पहले मैं
इस पार्ट पे मैं बाद में आऊंगा, मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 1 upon log of b to the base 2 is equal to 1, यानी log of b to the base 2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। बोलिए ये बात समझ में आती है मेरी, यहां तक क्लियर है? log b to the base 2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। चलिए दिस इज ओके। और इसी तरह मैं इसको भी चेंज कर दे रहा हूं, log of a to the base 3 की वैल्यू 1 upon 2 आ जाएगी, है ना, नंबर बिकम्स बेस एंड द बेस बिकम्स नंबर, तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लेकर के जाना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने a को नंबर था बेस बना दिया और बेस को नंबर, करेक्ट। तो ध्यान से देखो, अब ये log b to the base 2 की वैल्यू अपने पास है, log a to the base 3 की वैल्यू है अपने पास। अब तुम्हारी मर्जी, कोई मर्जी बेस ले लो आप। अब क्वेश्चन में कभी ये नहीं लिखोगे कि आपको क्या बेस मानना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप दो ही बेस नजर आ रहे हैं आपको, या तो बेस 3 होगा या बेस 2 होगा। अब कोई बच्चा कह रहा है, नहीं सर मैं तो बेस 10 लूंगा, ऑब्वियसली वो बेवकूफी है कि व्हाई शैल वी ऐड मोर थिंग्स कॉम्प्लेक्स टू आवर क्वेश्चंस व्हेन द थिंग्स आर इजियर फॉर अस। सो ऑलवेज ट्राई टू यूज ओनली दोज बेसिस इन द क्वेश्चंस व्हिच आर प्रेजेंट ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, उन्हीं बेसिस को आप इस्तेमाल करें। तो यानी मैंने एक काम करते हैं, बेस 2 ले लेता हूं डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस 3। ये तो मैंने बेस चेंज थ्योरम यूज कर ली, बेस चेंज थ्योरम, राइट। तुम्हारी मर्जी, मैं बेस 3 लेकर के भी करा दूंगा, उससे भी हो जाएगा। लेट अस से दिस इज द मेथड नंबर 1, ठीक है ना, बेस 2 लेकर के कर दिया। अब ये बन जाएगा लॉग बी टू द बेस 2 की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस 2 पता है, लेकिन अपने पास तो लॉग ऑफ ए टू द बेस 3 की वैल्यू है। तो एक काम करो, अब इसको लिख दो 1 अपॉन लॉग ऑफ ए टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3। मैंने नीचे बेस चेंज थ्योरम लगा दी, डिनोमिनेटर के अंदर में बेस चेंज थ्योरम लग गई। आई एम रिपीटिंग, डिनोमिनेटर में बेस चेंज थ्योरम लग गई। तो ध्यान से देखो, ये ऊपर चला जाएगा लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ ए टू द बेस 3 इज 1 बाय 2, और ये बन जाएगा 2। तो 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 कैन बी रिटन एज, अभी 2 ऊपर चला जाएगा तो एज अ रिजल्ट इट विल बी लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3, और लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ जाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और अगर हमने इस मेथड नंबर 1 से नहीं जाना है, वी डू नॉट वॉन्ट टू गो बाय दिस मेथड, लेट अस से कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं सर मुझे तो मेथड 2 से जाना है, कोई बात नहीं यार, मेथड 2 से चले जाओ आप, क्या परेशानी है, बेस 2 की बजाय बेस 3 ले लो आप, हार्डली मैटर। Let us do it so that you get a more clarity. ठीक है, तो ये बन गया log of, क्या था question? Let me see again. Just give me a second. The question was, यहां पर थे हम लोग, log b to the base a. ठीक है, so log b to the base a को हम लोग लिख सकते हैं, it is equals to log of b to the base 3 divided by log of a to the base 3. You can write it down, right? So ध्यान से देखो, अब हमें पता है log a to the base 3 की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी गिवन है, log a to the base 3 की वैल्यू पता है अपने को कितनी है, 1/2। तो ये चला गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 टाइम्स log of b to the base 3 आ गया, दिस इज द मेथड नंबर 2, है ना, log b to the base 3 आ गया। अब log b to the base 3 की वैल्यू है नहीं अपने पास, अपने पास किसकी वैल्यू है, ध्यान से देखो, log b to the base 2 है, उसकी वैल्यू अवेलेबल है, तो इसका बेस चेंज कर दो, log b to the base 2 divided by log of 3 to the base 2। अब log b to the base 2 की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो यानी कि अपने पास क्या जाएगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये वैल्यू क्या आ गई, ध्यान से देखिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन log ऑफ 3 टू द बेस 2। अब इस नंबर को न्यूमरेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 3, और इस 2 को दोबारा ऊपर ले जाया जा सकता है वाय द पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर 3, तो ये बन जाएगा log ऑफ 4 टू द बेस 3, विच इज द अगेन द आंसर। तो ध्यान से देखो, यहां से भी सी आंसर आ रहा है, तो ईदर मेथड यू अडॉप्ट आंसर विल कम आउट इज करेक्ट और सेम, बशर्ते आपने सारी चीजें सही लगाई। ठीक है क्या? आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। कैन वी मूव ऑन फर्दर? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है 81 की पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 टू द बेस 5 प्लस 27 की पावर लॉग ऑफ 36 टू द बेस 9 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन लॉग ऑफ 9 टू द बेस 7। ठीक है, अब ये लिखा है, अब अपने आप सोच करके देखिए क्या करेंगे इसमें। ठीक है, करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को, गिव मी अ सेकंड। अब इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है दिमाग में, सबसे पहली बात आ रही है दिमाग में, मैं इसको 81 को 3 की पावर 4 लिख दूं, लिख दिया, क्यों लिख दिया, और इस 1 अपॉन को मैं log of 5 टू द बेस 3, बेस चेंज थ्योरम, मैं कोशिश करूंगा सबका बेस में 3 बना लूं। दिमाग में मेरे क्यों आया कि बेस में 3 बनाऊं, और क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर 3 अवेलेबल है, पहला देखा इस लॉग में, केवल लॉग को देखो, हर लॉग की टर्म को इंडिविजुअली चेक करो, क्या इसको 3 में चेंज करा जा सकता है, यस ये 3 का स्क्वायर अवेलेबल है, कर सकते हैं। यहां पर ये यस, इस 9 को नीचे ले जाएंगे, 7 ऊपर चला जाएगा और 9 को 3 का स्क्वायर होता है, तो बेस 3 बनाया जा सकता है। आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, सबसे पहले मैंने ये देखा, हर लॉग को देखा और मैं ये चेक कर रहा हूं कि बेस क्या बनाया जा सकता है, तो मेरे पास सबसे पहली पॉसिबिलिटी 3 की आ गई, डायरेक्टली नहीं दिया होगा, कैसे बनाया जा सकता है, क्या बना हुआ है, नहीं कह रहा हूं मैं, क्या बनाया जा सकता है वाया द एप्लीकेशन ऑफ द वेरियस प्रॉपर्टीज विच यू ऑल नो, गेटिंग माय पॉइंट, तो ठीक है। प्लस अब ये क्या बन जाएगा, अब 27 क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है, ठीक, की पावर, अब लॉग ऑफ ये लिखा हुआ है कितना, 36 टू द बेस 3 की पावर 2 लिखा है, ठीक है, इसको लिख दिया। प्लस अब ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर 4 टाइम्स लॉग ऑफ ये क्या आ जाएगा, 7 टू द बेस 9, यू गेटिंग माय पॉइंट, 3 की पावर 4 और लॉग ऑफ 7 टू द बेस 9, ये 7 और 9 इंटरचेंज हो गए और 4 टाइम्स हो गया। अब इंडिविजुअली सबकी बात करते हैं एक एक करके, सबसे पहले इसी केस को डील करते हैं, ठीक है ना। अब हम एक चीज जानते हैं, a की पावर x होल की पावर y इज इक्वल टू a की पावर एक्स वाई, ये होता है, तो ये a की पावर x होल की पावर y तो लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखें, या मैं इसको a ही मान लूं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसे a पावर x मानूं या a मानूं, तो कैन आई से, ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है, a की पावर log of c टू द बेस b के अंदर में a और c को इंटरचेंज किया जा सकता है, तो एज अ रिजल्ट इस 5 के साथ इंटरचेंज कर दें, 5 की पावर log of ये बन जाएगा 3 की पावर 4 और ये बन जाएगा बेस में 3, यू गेटिंग माय पॉइंट, आप इसको ऐसा लिख लिया। कोई बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा नहीं लिखना है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे, कैसा, ये बन जाएगा 3 की पावर 4 टाइम्स log of 5 टू द बेस 3, ऐसा भी लिख सकते थे आप, और ऐसा लिखने के बाद इस 4 को आप पावर में ले जाओ, ऐसा भी कर सकते थे, यानी 3 की पावर log के बेस में 3 और ये 5 की पावर 4 आ गया, और 5 की पावर 4 अपन जानते हैं 625 होता है, तो इसको लिख सकते थे 3 की पावर log of 625 टू द बेस 3, तो ध्यान से देखो ये बेस और ये बेस सेम होता है, तो आंसर 625 आता है, तो जस्ट अनदर मेथड टू शो द थिंग्स, दिस वे इट कैन बी डन, और सिंपली जैसे मैंने पहले स्टेप में लिखा आप वैसा भी कर सकते हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, मैंने केवल इसी पोर्शन की बात करी अभी, अगर मैं इस तरीके से जाता हूं तो ध्यान से देखो ये क्या बन जाएगा, इस इतने न्यूमर केवल पावर में जो चीज है उसको देखें आप ध्यान से, तो log 3 टू द पावर 4 टू द बेस 3 इस 4 आगे आ जाएगा, तो log 3 टू द बेस 3 तो 1 होता है, तो बेसिकली ये 5 की पावर 4 ही तो लिखा है, यानी 625 तो लिखा है, तो जो फर्स्ट पार्ट लिखा है उसकी वैल्यू 625 आ गई, क्लियर है। चलिए ये शानदार बात समझ में आ गई है, तो अच्छी बात। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 पर, पार्ट नंबर 2 पे यानी कि ये बात करना चाह रहा हूं मैं आपसे कि ये लिखा है, ध्यान से देखो, सेम एप्लीकेशन जो पहले पार्ट में लगाई, इस 36 को मैं नीचे ले जाऊं, 36 की पावर log of 3 की पावर 3 और ये बेस में 3 की पावर 2 आएगा। अब केवल इतने पोर्शन को अगर देखें तो बेसिकली ये 36 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है,
36 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 लिखा है क्योंकि ये 3 न्यूमरेटर में आ जाएगा और वो आगे डिनोमिनेटर में चली जाएंगी चीजें. यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 3 न्यूमरेटर में रहेगा पावर में, यानी कि जस्ट अ मिनट, ये 3 पावर में चला जाएगा ये वाला, एंड ये 2 नीचे आ जाएगा. सही है, डिनोमिनेटर में. तो एज अ रिजल्ट, और 36 को 6 का स्क्वायर की पावर 3/2 यानी 6 की पावर 3 लिखा जा सकता है, और 6 की पावर 3 जो है 216 वैल्यू होती है. यहां तक समझ में आती है बात? ये चलिए बहुत ही बढ़िया. तो सेकंड वाला पार्ट भी आ गया अपने पास. अब थर्ड वाले पार्ट पे ध्यान से देखो, थर्ड वाला पार्ट क्या लिखा गया है? थर्ड वाला पार्ट लिखा गया है, जस्ट अ सेकंड. सो थर्ड वाला पार्ट इज रिटन एज 3 की पावर 4 टाइम्स लॉग ऑफ 7 टू द बेस 9 ये लिखा है. अब इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है ईदर ऑफ द मेथड व्हिच वी हैव बीन अडॉप्टिंग. सो वो बन जाएगा कितना, इसको ऐसा लिख लें आप, 3 की पावर 4 टाइम्स लॉग ऑफ 7 टू द बेस 3 की पावर 2. एज अ रिजल्ट इट कैन बी रिटन एज, इस 3 पावर 4 को और इस 7 को इंटरचेंज कर दें, यानी 7 की पावर लॉग ऑफ 3 की पावर 4 टू द बेस 3 की पावर 2, और ये 4/2 यानी 2 आ जाएगी वैल्यू, यानी 7 की पावर 2. द आंसर विल बी 49 फॉर द पार्ट नंबर 3. एज अ रिजल्ट जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आप ध्यान से देखें, फाइनल आंसर आपके पास 625 + 216 + 49. You can simplify this one and this is your answer. You getting it? ये बात समझ में आती है सभी को? Everybody is clear on this part. चलिए बहुत ही बढ़िया. तो I am sure ये question सभी को समझ में आ गया होगा. Now we can move on to the some another set of the questions. करे भाई, are you all able to digest all the questions which I have been teaching today? चलिए मूविंग ऑन फर्दर नाउ. चलो थैंक यू. मूविंग ऑन फर्दर टू द अनदर क्वेश्चन. ये लिखा है लॉग ऑफ बी टू द बेस ए की वैल्यू 2 दे रखी है, लॉग सी टू द बेस की वैल्यू 2, लॉग सी टू द बेस 3 की वैल्यू ये दी हुई है. हमें निकालना है ए प्लस बी प्लस सी. तो ए प्लस बी प्लस सी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आर साइड. तो ठीक है, क्या करें बोलो? यहां तक बात समझ में आती है? चलिए बहुत ही बढ़िया. अब या एक काम करते हैं, लेट मी गिव दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू एज अ होमवर्क. इसमें बस ये बता दे रहा हूं, बेस चेंज थ्योरम का एप्लीकेशन होगा. ठीक है ना, बेस चेंज थ्योरम का एप्लीकेशन होगा. कैसे करना है आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को. लेट मी सी अनदर सेट ऑफ द क्वेश्चन. ये भी क्वेश्चन आसान है. चलो ये मैं बता दे रहा हूं फिर भी, दिस इज ऑल्सो एन ईजी क्वेश्चन. कैसे, ध्यान से देखो. 3 पावर ए 4 दिया हुआ है, इसी तरह बी पावर में सी डी ई एफ सारे के सारे पावर में दिए गए. वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी ई एफ. ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू निकालनी है. तो क्या करेंगे आप, हमें मालूम है कि 3 की पावर ए 4 दिया हुआ, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. कौन सी फॉर्म है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कौन सी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है? लॉगरिथमिक फॉर्म में. कौन सी फॉर्म में? लॉगरिथमिक फॉर्म में. अब लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर हम चेंज करेंगे तो एज अ रिजल्ट लॉग ऑफ 4 टू द बेस ए इक्वल टू 3 बनेगा. बनेगा लॉग ऑफ 4 टू द बेस ए की वैल्यू 3 बनेगी. समझ में आती है बात? ये इसमें तो कोई टेंशन नहीं है. हमें ए बी सी डी ई एफ के प्रोडक्ट के बारे में जानना है. ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं. एक तरीका मैं आपको अभी बता रहा हूं, एक और तरीका लेट यू नो. पहले सिंपल तरीके से चलते हैं, और दूसरा जो मैंने अभी बात नहीं बताई है वो भी आपको मैं अभी शेयर करने वाला हूं. ठीक, दैट्स एन एड ऑन कॉन्सेप्ट यू लर्न टुडे. तो लॉग ऑफ 4 टू द बेस ए इज इक्वल टू 3 आ गया. इसी तरह लॉग ऑफ 5 टू द बेस b की वैल्यू 4 आ जाएगी, एंड ब्ला 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 ब्ला, ये सारी की सारी वैल्यूज निकाल लेंगे हम लोग. ठीक है, अब क्या करें, वी हैव बीन
asked to find the value of log ABCDA. तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूँ, यहां से इस वैल्यू से मैं लिख सकता हूँ log a to the base 4 is 1/3, ठीक। लेकिन इस तरीके से जाएंगे तो परेशानी हो जाएगी। क्या परेशानी हो जाएगी? आई एम जस्ट टेलिंग अ रो थॉट विच मे कम इन योर माइंड, ठीक है ना। क्या गलती है ये भी जानना और समझना जरूरी है। और इसी प्रॉपर्टी से अगर मैं जाऊंगा तो मैं इसको लिखूंगा log of b to the base 5 will be 1/4। तो अगर मेरे दिमाग में, किसी बच्चे के दिमाग में ये आ रही है बात, log m to the base a plus log of n to the base a can be written as log of mn to the base a, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, उसके लिए तो बेस सेम होना चाहिए, और बेस सेम है नहीं। इन सबको ऐड करूंगा तो गड़बड़ है, क्योंकि बेस सेम नहीं है। इसका और इसका बेस सेम कहां है? एक का बेस 5 और एक का बेस 4 है। तो ये तो आप तरीका अपनाएंगे तो इससे तो दिक्कत आएगी, आपको काम नहीं कर पाएंगे या लंबा चला जाएगा क्वेश्चन। सो व्हाट्स द सॉल्यूशन? तो ए बी सी डी ई एफ की वैल्यू कैसे निकालें? अब कैसे निकालें का जवाब ये है, ध्यान से सुनिए। अब 3 पार ए इक्वल टू 4 लिखा हुआ, ठीक। मैं क्या करने वाला हूं, टेक लॉगरिथम बोथ साइड्स, ध्यान से सुनिएगा, टेक लॉग बोथ साइड्स, जैसे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड्स करते हैं, ठीक। उसी तरीके से हम लोग टेक लॉग बोथ साइड्स कर सकते हैं। लेकिन लॉग लेते वक्त हमेशा हम ये ध्यान रखें कि कोई ना कोई बेस तो मानना है। आई एम रिपीटिंग, कोई ना कोई बेस तो मानना है। जैसे एक इक्वेशन ये दे रखी है और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है हमारे पास, आराम से सुनो, 4 पार b इज इक्वल टू 5, 4 की पार b की वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है। तो टेक लॉग बोथ साइड्स करूंगा मैं तो क्या बनेगा, इसका मतलब लॉग ऑफ 3 पार a इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4, ठीक। मैं दोनों तरफ बेस 3 मान लेता हूं, यहां मैंने क्या माना दोनों तरफ बेस 3, क्यों माना अभी बताता हूं। इससे क्या आया, इससे क्या बन गया, ये a आगे आ जाएगा, a टाइम्स ये log ऑफ 3 टू द बेस 3 बन गया यहां पर, यही कारण था मैंने बेस 3 लिया, वो 1 होती है वैल्यू, विल बी इक्वल टू log ऑफ 4 टू द बेस 3। अब यहां पर मैं बेस क्या लूंगा, अपने आप सोच करके देखिए, यहां पर बेस ऑलरेडी 4 है तो मैं यहां पर बेस 4 ले लेता हूं, यानी log ऑफ 4 पार b टू द बेस 4 विल बी इक्वल टू log ऑफ 5 टू द बेस 4, एज अ रिजल्ट b की वैल्यू log ऑफ 5 टू द बेस 4 आ जाएगी। मेरी बात समझ में आई है? आई एम रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, n इक्वल टू a पार x होता है तो log ऑफ n, log ऑफ n टू द बेस a की वैल्यू x आती है, हमने पढ़ा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा हुआ है। अब n आपका कौन है 4, टू द बेस 3 इक्वल टू a, ठीक है क्या, log ऑफ n। अच्छा यहां पर ही हमने गलती कर दी, ध्यान से देखिए, दिस स्टेप वॉज कंप्लीटली रॉन्ग। वाई रॉन्ग, कैन यू टेल मी, दिस वॉज श्योरली रॉन्ग। देखो मैंने इसको यहां पर यही तो काम किया, log बोथ साइड्स लिया, ऐसे बोल दें या ऐसे बोल दें, मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं, वी कैन टेक log बोथ साइड्स ऑल्सो इन अ सिमिलर मैनर, जैसे स्क्वेरिंग क्यूबिंग दोनों तरफ करते हैं, टेक साइन बोथ साइड्स, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, टेक कोस बोथ साइड्स पढ़ लिया होगा, थीटा वन इक्वल टू थीटा टू है तो साइन थीटा वन इक्वल टू साइन थीटा टू लिख सकते हो, सही है, वही चीजें। तो ध्यान से देखें, ये वाला n कौन था यहां पर, देखिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, n इज 4, a इज 3, तो n इक्वल टू a पार x, तो यानी 4 इक्वल टू ये आ जाता 3 पार a, तो यानी log ऑफ यहां से बनता कितना, log ऑफ 4 टू द बेस 3 की वैल्यू a आ जाती, यानी यही वैल्यू आती जो यहां पर लिखी हुई है, ठीक है क्या। ये स्टेप हमने गलत लिख दिया, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है n a x के पार्ट में, करेक्ट। चलिए मूविंग ऑन फर्दर, सो log ऑफ 4 टू द बेस 3, टेक log बोथ साइड्स कर लो या डायरेक्टली लिख लो, एक ही बात है सारी की सारी, तो एज अ रिजल्ट
आप ध्यान से देखिए जितने भी पार्ट्स हैं सारे की वैल्यू लिख लेते हैं अपन लोग। अपन लोग लिखते हैं वैल्यू, तो एक ये आ गया, ये बी की वैल्यू आ गई। इसी तरह सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ कितना, 6 to the base 5। अब डी की वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ कितना, 7 to the base 6। ई की वैल्यू लॉग ऑफ क्या आ जाएगी, 8 to the base 7। और एफ की वैल्यू आ जाएगी लॉग ऑफ 9 to the base 8 आ जाएगी। ए बी सी डी ई एफ सबकी वैल्यू आ गई, तो क्या करें, हमें तो इन सबका क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो प्रोडक्ट कर दो ना, कहां परेशानी है। ए बी सी डी ई एफ इन सबको मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या बन जाएगा, log 4 to the base 3 इंटू log ऑफ 5 to the base 4 इंटू log ऑफ 6 to the base 5 इंटू log ऑफ 7 to the base 6 इंटू log ऑफ 8 to the base 7 इंटू log ऑफ 9 to the base 8। सिंपल बेस चेंज हम करते चले जाओ तो बनेगा log 4 by log 3 इंटू log 5 by log 4। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, आई होप ये अंडरस्टूड है, डायरेक्टली आप काट लेंगे सब लोग। इंटू log 7 divided by log of 6 इंटू log of 8 divided by log of 7 इंटू log of 9 divided by log of 8। ये सारे कैंसल हो जाएंगे, ये वैल्यू को कैंसल्ड कैंसल्ड डिसॉल्व कर कैंसल्ड, तो log 9 to the base 3 आ गया, यानी आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दैट्स द आंसर। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई है सभी को, करेक्ट है, श्योर। चलिए बढ़िया, तो बस आज के लिए यहीं तक ही हम पढ़ेंगे। ये शीट मैं आप सबके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, एंड आप ये कुछ क्वेश्चंस जो इस शीट में आपके पास मिलेंगे जो मैंने नहीं अटेम्प्ट किए हैं वो आपका होमवर्क है। तो आज के लिए दिस विल बी इनफ फ्रॉम माय साइड। नाउ आई वुड लाइक टू टेक अ फ्यू क्वेश्चंस इफ एट ऑल देयर आर फ्रॉम योर साइड। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, तो अगर आपके सवाल हैं, कोई बच्चा पूछना चाहे, यू कैन आस्क, पूछिए। नहीं है कोई क्वेश्चन, प्लीज सब लोग अपने आप को अनम्यूट करके रखें। ओनली दैट स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट। मैंने सबको म्यूट पे डाल दिया है, एंड यू हैव द ऑप्शन टू अनम्यूट योरसेल्फ इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर के वो क्वेश्चन सभी के लिए क्वेश्चन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, शायद कुछ नया कुछ सीखने को मिल जाए। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं है भाई, तो बस ठीक है फिर सर। तो बेस नंबर के अकॉर्डिंग लेने बेस, क्या बोलो, सेक्शन दोबारा बोलो। जैसे जो ये लास्ट क्वेश्चन में हमने जो हमें जैसे हमने लॉग ऑफ 4 और बेस 3 लिया था, बोथ साइड में हमने बेस 3 ले लिया, तो नंबर के अकॉर्डिंग लेना या फिर क्वेश्चन के हिसाब से? क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। आप ध्यान से देखो यहां पर ना, ये तो मैंने केवल आपको ना जस्ट टू शो यू कि टेक लॉग बोथ साइड्स कर सकते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी बेस 3 था तो मैंने बेस 3 लेना है, यहाँ बेस 4 है तो बेस 4 लूंगा, यहाँ बेस ऑलरेडी 5 है क्योंकि n = a बार x के अंदर में a तो बेस ही होता है। हाँ जी, तो जस्ट दिस होल आइडिया बिहाइंड दिस वाज टू टेक लॉग बोथ साइड्स भी कर सकते हैं, ये समझाना था आपको। एल्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट बेस कैन बी क्रिएटेड इन द क्वेश्चन वी टेक दैट बेस या लॉग लेते वक्त वो बेस हम मान लेते हैं दोनों तरफ इफ एट ऑल रिक्वायर्ड। और दूसरी बात, एक अगला टॉपिक आएगा जो मैं क्लास में आप सबसे डिस्कस करूंगा, लॉगरिथमिक इक्वेशन, उसके अंदर में मेजरली यूज होता है टेक लॉग बोथ साइड्स, तो वहां पर आपको इसका एप्लीकेशन और अच्छे से मैं समझा दूंगा। ओके, एनी अदर स्टूडेंट हैविंग एनी अदर क्वेश्चन? सर हां जी बोले।